नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज अपन हिंदी विषय का जो पेपर है, जो कि 21 मार्च को होने जा रहा है, कक्षा 10 आरबीएससी का, उस हिंदी के पेपर को उस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं हम। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। यहाँ से बिल्कुल 100% आपके प्रश्न मिलने वाले हैं, जो आपका पेपर होने वाला बोर्ड का, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और सॉल्यूशन करूंगा। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो है अपन व्याकरण की बात करेंगे और साथ ही साथ अपन पैराग्राफ वगैरह जो है, यानी पद्यांश गद्यांश, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये अपना बोर्ड का पेपर है, ये मॉडल पेपर है, आपको ध्यान में रखना है। मॉडल पेपर से कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अपन पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। पहला प्रश्न आपका गद्यांश का है, देखिए ये अपठित का है। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अपन गद्यांश को पढ़ लेते हैं। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं अपन यहाँ से। चलिए, तो जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुंगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। तो इनका घराना आपको याद रखना है। फिर यह घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्विंस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। प्रसाद जी क्या थे? कवि थे, यानी जयशंकर प्रसाद आप जानते हो सब कवि है, ये कवि थे जयशंकर प्रसाद। उनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है, यानी वो कवि थे, उनकी रचनाओं से ऐसा पता चलता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखी। तो फर्स्ट में उन्होंने जब स्टार्ट किया तो ब्रजभाषा में उन्होंने कविताएं लिखी थी। उनकी विधायिनी कृतित्व की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन से सांकेतिक रूप में मिला है। तो विधायी जो कृतित्व की क्षमता है, उसका परिचय कहाँ से मिलता है? झरना उनकी एक कृति है, उनसे मिलता है। जहाँ तक छायावाद की बात है या प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उनका बीजारोपण झरना में ही किया। तो छायावाद का बीजारोपण झरना में किया किसने? जयशंकर प्रसाद ने। झरना के पश्चात एक उनकी और कृति थी आंसू का प्रकाशन, काव्य के क्षेत्र की हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना हुई। तो इस प्रकार से अपन ने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लिया है। अब इससे पूछे गए प्रश्नों के जो है अपन उत्तर देते हैं। तो देखिए, थोड़ा ऊपर लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर एक है कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ये सारी जो बातें हैं वो जयशंकर प्रसाद के बारे में कही गई है। तो इसलिए इस गद्यांश का शीर्षक अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे? जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे वाला प्रश्न क्या कहता है दूसरा। प्रसाद जी संबंधित थे। प्रसाद जी कौन से घराने से संबंधित थे? देखो, सुंगनी साहू घराने से, कलवार घराने से, ठाकुर घराने से या हालदार घराने से। तो ये किस घराने से संबंधित थे? सुंगनी साहू घराने से संबंधित थे। तो इसका आंसर अ हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर अ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रसाद जी ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा में कविताएँ लिखी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, गद्यांश को ढंग से पढ़ना है थोड़ा, तो उसका उत्तर जो देना है वो आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? यहाँ पर देखिए, झरना संगीत उनकी रचना नहीं है, केवल झरना है। लहर की तब नहीं पढ़ा, विदाई नहीं, ये कुछ रचना नहीं है। तो यहाँ पर उनकी रचना जो है वो हो जाएगी आंसू। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी हो जाएगी? आंसू। तो चौथे प्रश्न का उत्तर अ हो जाएगा, आंसू। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि छायावाद का उन्होंने बीजारोपण किस में किया? झरना में। ये जो झरना थी, उस झरना वाली कृति में उन्होंने छायावाद का बीजारोपण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? पाँचवा था। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? झरना। इसका उत्तर अ झरना हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया कि ये जो पेपर था अपन ने हल कर लिया, यानी पहला प्रश्न हल कर लिया। फिर नेक्स्ट जो है वो भी आपका एक पद्यांश है। वो क्या है? एक पद्यांश है आपका, पद्यांश है, इसको अपन करते हैं हल। तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पहले, निम्नलिखित
अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। पद्यांश क्या है? पद्यांश या काव्यांश कहते हैं इसको, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, हे अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, हे अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्या है आपकी कविता है ये किसकी है, ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियाँ हैं। तो पूर्व चलने के बटोही, पूर्व चलने के बटोही, बटोही का मतलब होता है राहगीर, बाट का मतलब होता है रास्ता या राह, ठीक है। तो अपने को कोई सा भी काम करना है, कोई भी उद्देश्य अपन पालते हैं तो उस उद्देश्य के बीच में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोच लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये लिखी गई है, यानी जो भी अपना उद्देश्य होता है उस उद्देश्य के बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारे जो है अपने को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। तो अपन इसको पढ़ने के बाद में अब अपन प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपयुक्त कार्य काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर जो है ये जो काव्यांश है हरिवंश राय बच्चन की जो पंक्तियाँ हैं ये किससे ली गई है, आपको पता होगा पथ की पहचान से, किससे, पथ की पहचान। तो इसका इस काव्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, पथ की पहचान, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी रास्ते की जांच कर ले, ऐसे आपको कहा गया है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, पथ की पहचान करना, जगह की अनिश्चितता नहीं है, यात्रा नहीं है और फूल और कांटे नहीं है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ये बी हो जाएगा, ब हो जाएगा, पथ की पहचान। फिर देखिए 7वां प्रश्न, बटोही, अभी आपको मैंने बताया बटोही शब्द का अर्थ क्या है, बटोही मतलब राहगीर यानी पथिक, रास्ते पर चलने वाला, पटोही जो है बटोही होता है, पथिक राहगीर जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर उत्तर जो है वो अपथिक हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, सुमन का पर्यायवाची युग्म है, सुमन जो है अपन पुष्प यानी फूल को कहते हैं, तो सुमन के पर्यायवाची कौन कौन से आपको देखने हैं, कुसुम अनल नभ, कुसुम तो होता है लेकिन अनल आग का होता है, नभ आकाश का होता है, तो ये नहीं होगा, मंजरी दीर्घ निर्जन ये नहीं होता है, ठीक है। और स, फूल पुष्प और प्रसून, ये इसका सही उत्तर होगा, स, फूल पुष्प और प्रसून, ये सब के सब क्या है, सुमन यानी फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे। कृषाणु कंटक पुष्प नहीं होगा, कंटक वन को कहते हैं, कृषाणु आग को कहते हैं, तो ये अपन नहीं करेंगे, अपना उत्तर हो जाएगा स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना है, पूरा देखना है वीडियो को, आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है यहाँ से। उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये जो है ये काव्यांश, इसमें जिस प्रकार से जो पंक्तियाँ लिखी हुई है उनका सीधा सीधा अर्थ नहीं है, उनमें लक्षणा शक्ति जो है वो प्रयोग की गई है। कौन सी लक्षणा, यानी इन शब्दों का लाक्षणिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ नहीं है, लाक्षणिक अर्थ है, इसलिए यहाँ पर जो है अपन इसका उत्तर क्या करेंगे, लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शक्ति है, ठीक है। फिर 10वां प्रश्न देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के शर का अर्थ क्या है, कंटकों का शर क्या है, सुख है कि दुख है कि बगीचा है कि रेगिस्तान है। तो यहाँ पर कंटकों के शर का मतलब होता है कठिनाइयाँ या दुख जो होते हैं, बहुत सारे दुखी दुख जो है अपने को देखने पड़ते हैं, कोई भी अपन उद्देश्य जो है अपन निश्चय करते हैं उद्देश्य के बारे में, तो अपने बहुत दुख देखने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये पद्यांश और गद्यांश दोनों अपन ने सोल्व कर लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, उन्मेष शब्द का अर्थ क्या है, उन्मेष जो उन्मेष शब्द है इसका अर्थ क्या है, अप्रकाश है, ब दीप्ति है, स उजाला है, या द उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उन्मेष शब्द जो है वो प्रकाश दीप्ति उजाला तीनों के लिए प्रयोग होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी चारों जो है ये आपस में पर्यायवाची हैं, इसलिए उत्तर नंबर द उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए जॉर्ज पंचम की नाक, ये कहानी जो है ये आपकी किताब की कहानी है शायद, जॉर्ज पंचम की नाक, ये किस प्रकार की कहानी है, व्यंग्यात्मक है या संस्मरणात्मक है या ऐतिहासिक है या बाल मनोवैज्ञानिक है। तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी, कौन सी, जॉर्ज पंचम की जो नाक है ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है, उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, एक एक नंबर के प्रश्न है, बहुत ही इजी पेपर आने वाला है, आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, तो पेपर आपका बहुत सरल होगा और आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं आ रहा है तो आपको उसमें कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना है, खाली छोड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, और अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको वहाँ पे 100% कुछ न कुछ नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का एक देखते हैं,
गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द जो है ये किस प्रकार की संज्ञाएं हैं, यहाँ पर संज्ञा का बोध कराते हैं। तो गाय है, आदमी है, पुस्तक है, ये क्या हो जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा का क्या हो जाएगा, बोध कराते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, अब संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, ये चीज़ें आपको सबको याद करके जानी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी आपको। फिर प्रश्न नंबर दो, जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए हो किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम सर्वनाम कहते हैं। तो किसके लिए करेंगे तब उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर तीन, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको अपन विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे बीच में, विशेषण कहलाता है, विशेषण। तो अगर आप ये प्रश्न पेपर ऐसे ही आता है और आप करते हैं तो ये जो छोटे वाक्य हैं इनको पूरा का पूरा लिखना है और खाली स्थान में जो भी भरते हैं उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है, नीचे डबल अंडरलाइन करनी है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। हिंदी में पूरा ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, आप व्यवस्थित लिखें, काना मात्र की मिस्टेक ना करें, इस प्रकार की जानकारी जो ध्यान है आपको वहाँ पर परीक्षा में रखना है। अच्छे से अच्छी रेटिंग लिखें, बिल्कुल जमा जमा कर अक्षर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, हिंदी का यही एक फंडा है। प्रश्न नंबर चार की बात करते हैं, अविकारी शब्द ही शब्द भी कहलाते हैं, अविकारी शब्दों को और किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये ऐसा पूछना चाहता है। तो अविकारी जो शब्द होते हैं उन्हीं को अपन अव्यय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्यय, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, इस प्रकार से इसका उत्तर अव्यय हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर पाँच, अनुज शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो ये अनुज जो शब्द बना है ये अनु प्लस ज से बना है, तो अनु में सब ज में जब अनु उपसर्ग जोड़ा जाता है तो अनुज बनता है, तो अनु यहाँ पर उपसर्ग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुज शब्द में अनु उपसर्ग है, क्या है, अनु उपसर्ग, अनु का मतलब आगे सॉरी पीछे और ज का मतलब जन्म लेने वाला, यानी बाद में जन्म लेने वाला, यानी छोटा भाई जिसको कहते हैं अपन, और अनुजा हो जाए तो छोटी बहन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर प्रश्न नंबर छः है, मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है, मानवता, तो यहाँ पर ता प्रत्यय लगाकर एक भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, ठीक है, मानव जातिवाचक संज्ञा है, इसमें अपन ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई है, तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, मानव, क्या लिखेंगे, मूल शब्द कौन सा है, मानव है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। तो लगभग लगभग 20 शब्दों में, यानी दो से तीन लाइन आपको एक एक उत्तर के लिए लिखनी है। यहाँ पर पहला प्रश्न है तीसरे का, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा टाइमिंग में आपका यूट्यूब पर नहीं खाना चाहता, इसलिए जल्दी से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे तो स्पीड को कम कर सकते हैं, चाहे तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आसानी से देख सकते हो। तो व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए, व्यंजन संधि क्या होती है, तो संधि तो सबसे पहले आपको संधि आनी चाहिए, संधि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रकार के, कितने कितने प्रकार है वापस, तो मुख्य रूप से संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है ना, संधि क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। संधि क्या होती है, दो वर्णों के आपस में मेल से शब्द में उत्पन्न विकार को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि जो है तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। यहाँ पर व्यंजन संधि की परिभाषा पूछी गई है, तो दो व्यंजनों के मेल, यानी दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन हो, चाहे व्यंजन प्लस स्वर हो, चाहे स्वर प्लस व्यंजन हो, इन तीनों कंडीशन में एक तरफ व्यंजन है, एक तरफ स्वर है, या दोनों तरफ व्यंजन है, तो इस प्रकार से शब्द के विकार में व्यंजन या व्यंजन, व्यंजन या स्वर, स्वर या व्यंजन के मेल से शब्द में उत्पन्न विकार को अपन क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर दो है आपका, तत्पुरुष समास के दो उदाहरण लिखने, तत्पुरुष समास के दो उदाहरण लिखने। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि ऐसा समास जिसमें कारक विभक्ति का सामासिक पद, जिसमें कारक विभक्ति का लोप होता है उसको अपन तत्पुरुष समास कहते हैं। तो समास आपके छह प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, है ना, बहुव्रीहि हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, है ना, तत्पुरुष हो गया, इस प्रकार से कर्मधारय हो गया, ये आपके समास होते हैं। तो ये सारे समास होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, तत्पुरुष समास के दो उदाहरण लिखने हैं। तो तत्पुरुष समास के दो उदाहरण कौन कौन से लिख देंगे आप, या तो लिख देंगे रेलगाड़ी, एक उदाहरण लिख सकते हो आप, रेलगाड़ी लिख सकते हो। उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो, दही बड़ा, है ना, दही में डूबा हुआ बड़ा,
तो उसको दही बड़ा कहते हैं। दही बड़ा जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, अधिकरण वाला, है ना, रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी आप उदाहरण लिख सकते हो। और बहुत सारे कई उदाहरण हैं, आप दो चार उदाहरण रट के जाइएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, काट का उल्लू होना, काट का उल्लू होना, मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। तो काट का उल्लू होना मुहावरे, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मूर्ख हो जाना, है ना, मूर्ख बन जाना जो होता है वो काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसी करनी वैसी करनी इस लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो जैसा आप काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, तो इसलिए अपन इसका वाक्य में प्रयोग करना चाहें तो कोई भी आप एक ऐसा वाक्य सोच सकते हैं जिसमें जैसा किया गया वैसा फल मिला, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि रमेश ने शाम को नीचा गिराने के लिए लोगों के सामने हंसी बनाई, लेकिन लोगों ने उसकी फिर से हंसी बना दी, तो जैसी करनी वैसी भरनी हो गई उसके साथ में। इस प्रकार से आप एक वाक्य बना सकते हो, इसका प्रयोग आप कहीं पर भी सर्च, गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हो, मिल जाएगा आपको। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5 जो है ये आपकी किताब का है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ ये आपको करने हैं। ये सारे जो है अब नीचे जो आ रहे हैं ये सभी प्रश्न यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये सारे सारे आपके किताब के प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों को देख लेना अपने किताब में से, इनके उत्तर आप ढूंढ लेना, ठीक है। तो किताब के हैं ये, मैं नहीं बताऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं, ये भी आपके किताब में है, तो इनको आपको, इनके उत्तर आपको अच्छे से लिखने हैं। सारे सारे प्रश्न जो है इनके उत्तर आपकी किताब से हैं, तो आपको इनको अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, छाया, काशी, अंतर नाटकों में रामकृष्ण, बेनीपुरी, ये सारे सारे आपके किताब के प्रश्न हैं। फिर देखिए, ये गद्यांश दे रखा है, इसका सब प्रसंग व्याख्या करनी है, और ये गद्यांश जो है पठित गद्यांश है। क्या है? पठित आपकी किताब का गद्यांश है, तो इनकी व्याख्या आपको करने की, ये इस गद्यांश में कहना क्या चाहता है, क्या लिखा हुआ है ना। फादर बुल के संकल्प के सन्यासी थे, है ना, कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, तो इनके बारे में आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी। तो यहाँ पर आपको दो दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो इसकी करो या इसकी करो। तो इस प्रकार से ये आपकी किताब के हैं, इनकी आपको अच्छे से व्याख्या करनी है। और यहाँ पर देखिए, व्याख्या करने के लिए आपको 1+2 दिखाई गए, है ना, पदांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी है। तो 3-3 नंबर के ये प्रश्न है, तो आपको अच्छे से लिखना है, आधे से एक पेज में आपको इनके उत्तर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पर आपको पठित जो है पद्यांश दिया गया है, और इन पद्यांशों की भी आपको क्या करनी, व्याख्या करनी है, ठीक है, व्याख्या करनी। तो आपका पद्यांश अपने किताब का है, तो इनके बारे में, यानी यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको अच्छे से इनकी व्याख्या करनी है। यहाँ पर मतलब कहना क्या चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है, तो आप इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उपयुक्त जो है पद्यांश या गद्यांश जो है फलाने पाठ से लिया गया है, जो कि फलाने कवि या फलाने लेखक की रचना है, इनमें कवि ये कहना चाहता है, ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना है। फिर ये आपके किताब का प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो उसको उदाहरण सहित समझाना है। आत्मकथ्य कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए, 3-3 नंबर के हैं। तो आत्मकथ्य जो है ये कविता किसकी है, कहाँ से ली गई है, कितने खंडों में है ना, इसमें कविता का मूल भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। फिर 20वां प्रश्न, नेताजी का चश्मा है, पाठ से प्रश्न है। फिर एक कहानी है ये, है ना, मन्नू भंडारी की, ये आप लिखनी है। फिर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 300 से 350 शब्दों में, यानी तीन पेज से चार पेज आपको एवरेज लिखना है। मैं आपको क्या करना, सार गर्भित निबंध लिखना है, और उसमें पहला है आपका मातृभाषा और उसका महत्व। तो इस पर आपको निबंध लिखने के लिए कह रहा है, और यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिए हैं, इसका अर्थ और महत्व में परिभाषा, है ना, रचना विकास में मातृभाषा का योगदान, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है, उपसंहार क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको इन पॉइंटों में क्या करना है, इस पर निबंध लिखना है। आप ये निबंध गूगल पर सर्च करके देख लेना, या आपके पास में जो भी टेक्स्ट हेल्प बुक होगी, सहायक पुस्तिका होगी आपके पास में, पासबुक होगी, उसमें आपको ये मिल जाएंगे, 4-4 नंबर के हैं। तो यहाँ पर आपको छोड़ना कोई नहीं है प्रश्न, आपको कुछ न कुछ लिखना है, ये पॉइंट बना बना कर लिखना है, अच्छी लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि हिंदी का पेपर है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें अथवा में और क्या है, किसी एक पर ही लिखना है, ठीक है। मेरा प्रिय नेता, देखो यहाँ पर क्या दिया है ऊपर, किसी एक विषय पर, है ना। तो या तो आप मातृभाषा और उसका महत्व पर लिखेंगे, या फिर मेरा प्रिय नेता, आपका कोई प्रिय नेता हो, है ना, आपके अशोक गहलोत हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, है ना, अमित शाह हो सकते हैं, या सचिन पायलट हो सकते हैं, मायावती हो सकती है, कोई सा भी कोई प्रिय नेता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेता का अर्थ क्या होता है, राजनीति की परिभाषा क्या होती है, प्रिय नेता व नाम व उसका परिचय लिखना है आपको, प्रिय नेता और आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या पड़ा है, है ना, उससे आपको क्या सीखने को मिला है, तो ऐसी बात आप, ये पॉइंट है। या फिर नीचे देखिए, है ना, चार आपको चार मिलेंगे, चार में से किसी एक पर लिखना है, तो मेरी अविस्मरणीय यात्रा, और सबसे मुझे लगता है कि इजी यही रहेगा, आप कहीं घूमने गए हैं
तो उस यात्रा के बारे में आपको क्या करना है, विस्तृत वर्णन करना है, तो आप इसमें से अच्छे से कर सकते हैं, खुल के अपने भाव लिख सकते हैं। अपनी जो है अपना परिचय देना है, सबसे पहले मैं ये मेरा नाम है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे पिताजी माताजी ये हैं, ये करते हैं काम, मैं अपनी फला कक्षा में पढ़ता हूँ, ये सारी बातें लिखनी है अपने परिचय में। आपके द्वारा की गई यात्राओं का ब्यौरा, तो यात्राओं का ब्यौरा लिखना है, यहाँ 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 जो भी आपके स्थान है वहाँ के स्थानों के नाम लिखने हैं, कब कब गए आपको उनकी डिटेल लिखनी है। फिर उनमें से आपकी जो अविस्मरणीय यात्रा है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, उस यात्रा का वर्णन करना है कि उपरोक्त में से मेरी ये जो यात्रा है ये अविस्मरणीय है और इसको मैं कभी नहीं भूल सकता, इसके और उसके बारे में सारी डिटेल लिखनी, क्या क्या देखा आपने जाकर यात्रा के समय देखा और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी। या फिर देखो एक और है, राजस्थान के मेले, तो मेलों का सांस्कृतिक महत्व क्या होता है, मेलों का आर्थिक महत्व क्या होता है, संस्कृति में मेले किस प्रकार से जो है उस संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और उसका आर्थिक महत्व क्या है, किस प्रकार से आमदनी होती है उससे सरकार को या अपने को क्या आमदनी होती है। राजस्थान के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, कब कब भरते हैं, उक्त मेलों की पौराणिक गाथाएँ कथाएँ कौन कौन सी है, ये जो मेले लगते हैं इनके जो प्राचीन जो है इनका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से शुरू हुए हैं, कैसे शुरू हुए, ये ऐसा लिखना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 22वां प्रश्न, स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है। ये एक अनौपचारिक प्रकार का पत्र है और बहन की शादी में बुलाना है और अपने आप को क्या मानना है, यहाँ पर आदर्श नगर का बीकानेर का निवासी कौन, नीरव मानना है आपको, है ना, और लिखना किसको पत्र है, अशोक नगर जयपुर निवासी अपना मित्र है उसको लिखना है और उसको अपनी बहन की शादी में बुलाना है, बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखना है। मैंने आपके सामने एक निमंत्रण पत्र लिखा है, उसका जो है फॉर्मेट आपके सामने ये है, तो आप इसको देखकर इसके समान ही आपको क्या लिखना है, निमंत्रण पत्र लिखना है, जैसे बड़े भाई के विवाह का निमंत्रण पत्र देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना, तो यहाँ पर बड़ा भाई है आपकी बहन हो सकती है, तो बहन चेंज कर देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिनांक लिखनी है, फिर आपका प्रिय मित्र जो है उसका नाम नहीं है तो आप नाम डैश डैश करके खाली छोड़ देंगे, स्नेह नमस्ते लिखना है आपको और इस प्रकार से जो जानकारी दे रखी है इसमें आप कुछ फेर बदल करके भाई की जगह बहन की शादी कर देना है आपको, है ना, और इस प्रकार से आपको सारा ब्रीफ में लिखना है, जानकारी लिखनी है और उसके बाद में तुम्हारा मित्र जो भी नाम है अपना नाम वहाँ पर जो दिया हुआ है वो नाम आपको लिखना है। तो ये आप जो है इसको देख सकते हैं आसानी से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा छोटा करके बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आप देख करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया, फिर देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का रिक्त पद होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्षा कक्ष अध्ययन की वस्तु स्थिति को अवगत कराइए, तो आपको क्या करना है, प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो ये पत्र तो आपको लिखना आता है होगा कि प्रिय महोदय जी, हमारे अंग्रेजी विषय का पद रिक्त है और शिक्षण को सुचारू करने के लिए आप हमारे लिए कोई अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था कीजिए और अध्ययन को सुचारू कीजिए, इस प्रकार का आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 23, नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्थान जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए, तो आपको एक विज्ञापन लिखना है। मैं आपको एक विज्ञापन का थोड़ा डेमो बताता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कोई विज्ञापन रखा है, मैं वो बता देता हूँ आपको, अभी मैंने डाउनलोड किया था, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जल्दी से। तो आपके सामने ये विज्ञापन है, इस प्रकार का विज्ञापन आपको देखना है और इसको लिखना है आपको, ठीक है। ये विज्ञापन आपको दिख रहा होगा, सेल मनमोहन एंड मनभावन कपड़ों का एकमात्र स्थान, रुचिकर परिधान शोरूम, है ना, इस प्रकार का जो आपको है सेल का, इस प्रकार से आपको विज्ञापन बनाना है, यानी एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो अपने को कौन सा एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए क्या गया है, तो इसको अपन कर देते हैं मिनिमाइज, ये कर दिया मिनिमाइज और अपन इधर आ जाते हैं वापस। तो इस प्रकार से महिला सहायता संस्थान जयपुर द्वारा एक कारपेट की बिक्री के लिए आपको क्या करना है, विज्ञापन लिखना है, आप विज्ञापन देख लेना। या फिर आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित उपयोगी सामग्री को उसकी बिक्री करनी है, तो आपको बिक्री का कोई एक विज्ञापन बनाना है, एक पोस्टर टाइप बनाना है, तो आप अच्छे से डिजाइनिंग करनी है उसकी और ज़्यादा समय नहीं लेना है, जल्दी जल्दी करना है आपको क्योंकि टाइम कम मिलता है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, हिंदी का पेपर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन अंग्रेजी की विज्ञान लेकर आएंगे और जो आगे आगे आपकी परीक्षाएं होने वाली उन सभी परीक्षाओं के मैं आपके पेपर लेकर आऊँगा। तो और आपको कोई क्वेश्चन हो, दिमाग में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकायदा पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, पर्सनली दे दूंगा आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।